नवादा जिले में बीती रात गांजा तस्करों के यहां छापेमारी की खबर का समाचार कवर करने वाले ईटीवी संवाददाता राहुल राय नगर थाने पहुंचे, जहां गांजा तस्करों का वीडियो बनाता देख थाने के मुंशी जी इतने बौखला गए कि उन्होंने पत्रकार का मोबाइल ही छीन लिया और बदसलूकी भी की। वहीं इस घटना के बाद पत्रकार ने इसकी शिकायत डीएम और एसपी से कर दी है। घटना की सूचना के बाद कई समाजसेवी और राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। मुंशी मैं नगर थाना पहुंचा और वहां पे मुंशी अजय कुमार हैं, उनसे मिला। एक जो आमतौर पर हर दिन जो दैनिक होता है एक पत्रकार का कि क्या थाने में हो रहा है, और उनसे पूछा कोई खबर तो कही नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, प्रभारी जी बताएंगे। बाहर उतरते ही जैसे ही बाहर हम उतर रहे हैं कि वहां पे एक कोई अरेस्टिंग आता है, तो हमने उसका फ़ोटो लेना शुरू किया। जैसे ही कैमरा निकाला तो मुंशी ने क्या किया, हमारा कैमरा लपक के छीन लिया उसको और जेब में रख लिया। मैंने कहा कि भैया ऐसा है कहे नहीं बनाओगे तो हम के लिए नहीं बनाएंगे आप। मैं नगर थाना पहुंचा और वहां पे और इस खबर पर हमारे साथ अपडेट जानकारी देने के लिए नवादा से मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है, पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई, वो भी थाने के मुंशी के द्वारा? एक संवाददाता है ईटीवी भारत का, वह नवादा जिले के थाने में गए वह खबर उठाने के लिए। खबर जब उठाने लगे तो उसी सिलसिले में थाना का जो मुंशी थे उन्होंने उनका मोबाइल छीन कर रख लिए जी, और उनके साथ बदसलूकी भी की गई जी। इस बात की शिकायत वह जिले के डीएम और एसपी साहब से भी किए हैं, और कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की मांग की है जी। मनोज, क्या थानेदार से बात हो पाई कि जिस वीडियो क्लिप के आधार पर उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो फिर ऐसे में पत्रकारों के साथ बदसलूकी कहां तक जायज है? क्या मुंशी पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात कही गई है, जो बदसलूकी की गई है पत्रकार के साथ? इस विषय को लेकर नवादा एसपी से बात की गई, उन्होंने बोले हैं कि मामला को जांच की जा रही है जी। मनोज, उस मुंशी से बात हो पाई जिन्होंने यह बदसलूकी की है, क्या उन्होंने कारण बताया है उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है बदसलूकी का, वो क्या सफाई दे रहे हैं? मुंशी से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझे जी। इस विषय को लेकर डीएम और एसपी के द्वारा आश्वासन मिला है जी कि जो दोषी होंगे मुंशी उस पर कार्रवाई की जाएगी जी। इस मामले में एसपी डीएम से शिकायत की भी बात सामने आ रही है, क्या लगता है कि जो बड़े अधिकारी तक जब ये बात पहुंचेगी कि क्या ऐसे मुंशी पर कार्रवाई होगी जो इस तरीके की बदसलूकी करते हैं? ऐसा तो आश्वासन एसपी के द्वारा मिला गया दिया गया है जी कि कार्रवाई की जाएगी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए। तो नवादा से यह खबर हमने आपको दिखाई, जहां पर एक पत्रकार के साथ थाने के मुंशी ने ही बदसलूकी की। हालांकि इस बदसलूकी के बाद जो मामला है वो सामने आया है और कार्रवाई की जो बात है वो भी कही जा रही है।